कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने क्लास 9 में भी किया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड होता है, जो हम लोग ग्राफ में बनाते हैं, जो जिसमें ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को ओरिजिन में इंटरसेक्ट करता है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0.0। ये कार्टेशियन प्लेन, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कार्टेशियन प्लेन को चार क्वाड्रेंट्स में ब्रेक करता है। हमें यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स के बारे में स्टडी करना है। जैसे कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन में हम लोग किसी भी पॉइंट के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिसे हम लोग एक्स फॉर्म और वाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हो गया उसी पॉइंट का एब्सिसा, जो कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट में मिलता है, यहां पे मिलता है, और वाई हो गया ऑर्डिनेट, जो कि इस पॉइंट के वाई एक्सिस में मिलता है, यहां पे हमें मिलेगा वो पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर वन हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन, कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किस तरह से सेक्शन करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को ब्रेक करता है। जैसे मान लो ए बी एक लाइन है, तो उसको ये सी पॉइंट कैसे ब्रेक कर रहा है, दो हिस्सों में किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, वो पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन में। एंड थर्ड पार्ट एरिया। पॉइंट से कई सारे फिगर बन सकते हैं, अगर हम लोग पॉइंट्स को जोड़े, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, तो हम लोग उनके एरिया के बारे में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहां पे मैं कोई पॉइंट ले एक्स वन वाई वन, और यहां पे मैं कोई एक पॉइंट ले एक्स टू वाई टू, और मुझे अभी ये डिस्टेंस के बारे में पता लगाना है। अब मैं कैसे लगाऊं डिस्टेंस का पता, तो आप पहले एक चीज चेक करो, एक्स मतलब क्या, ये एक्स वन है, तो इस पॉइंट का एब्सिसा अगर एक्स वन है, वो हमें कहां से मिलता है, इस एक्स एक्सिस से, कहां पर, ठीक इस पॉइंट की वर्टी के लिए एकदम इस जगह से, तो ये जगह क्या हो गया एक्स। इसी पॉइंट में जो ऑर्डिनेट वो हमें कहां से मिलेगा, वाई एक्सिस से, कहां पर, अगर हम लोग ऐसे करके जाए तो सीधा सीधा जो पॉइंट आएगा वो होगा वाई वन। सिमिलरली इस पॉइंट पे चलते हम लोग, इसी पॉइंट के ठीक बराबर अगर हम लोग पीछे आए यहां पे, तो हमें मिलेगा एक्स टू, और इस पॉइंट के ठीक बराबर आप ऐसे करके जाओ तो आपको यहां मिलेगा y2, राइट। अब मैं अगर यहां पर ये पोर्शन को जोड़ दू, यहां मैं कुछ नेमिंग पुट कर देता हूं, जैसे a b c, यहां पर d, यहां पे e, तो आप एक चीज देखो, x2 का मतलब क्या है, x2 का मतलब है ऑरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। हम लोग जैसे कि यहां पर जीरो होता है, यहां फाइव है, यहां पे मान लो इलेवन है, तो इलेवन का मतलब इस जगह से यहां, इस पॉइंट के जो बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज इलेवन यूनिट, और फाइव का मतलब है इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, दैट इज फाइव यूनिट। अब मैं जानना चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मैं जानना चाहता हूं, क्या करेंगे हम लोग, ये जो 11 है, इस 11 से मैं अगर इतना पोर्शन माइनस कर दू, ये पोर्शन हटा दू यहां से, तो मेरे को ये पार्ट मिलेगा 11 माइनस 5। सिमिलरली x2 मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो x1 मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो मैं अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना चाहूं, तो मैं कैसे निकालू, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस निकाल लिया d और e के बीच में, सिमिलर डिस्टेंस यहां होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड से लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहां पे
ये जो पॉइंट है यहां से एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का हाइट कितना है वाई वन, क्योंकि ये जो हाइट है एग्जैक्टली इक्वल टू दिस है। तो यहां पे अगर वाई वन हाइट है तो ये भी हाइट वाई वन होगा, ठीक है। अच्छा मतलब बीई वाई वन, ये जो हाइट है बीई वाई वन सेम ना, ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आप देखो ई से लेकर सी तक का हाइट, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हाइट कितना वाई टू ऑर्डिनेट, ये हाइट और ये हाइट सेम वाई टू, तो ये हाइट जो है दैट इज वाई टू यहां से लेकर यहां तक। लेकिन मैं जानना चाहता हूं बीसी, तो बीसी कैसे निकालेंगे, इस पूरे हाइट से मैं अगर ये हाइट हटा दूं तो मेरे को बीसी हाइट मिलेगा, मतलब बीसी हाइट कितना हो जाता है वाई टू माइनस वाई वन। अब आपको मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। आप लोग जानते हो कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप बेस जानते हो और परपेंडिकुलर भी जानते हो तो हाइपोटेनस निकालना तो बड़ा बात है। हम लोग हाइपोटेनस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस बेस हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर का वैल्यू है। बट मैं अगर दोनों में रूट कर दूं, क्योंकि मेरे को हाइपोटेनियस स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ओनली हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मुझे ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, वो हटेगा रूट अप्लाई करने से। मैं बोथ साइड रूट अप्लाई कर देता हूं, तो रूट अप्लाई करने से ये हाइपोटेनियस का वैल्यू मेरे को मिल गया। सो वाई टू माइनस वाई वन प्लस होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। क्या ये रूट इन स्क्वायर को भी हटा सकेगा? नहीं। क्यों? रीजन ये बाइनोमियल है और ये स्क्वायर उन बाइनोमियल के टर्म्स के स्क्वायर है। होल स्क्वायर अगर होता तो जरूर रूट को हटा सकता है, ठीक है। अच्छा इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और चाहे तो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। y2 माइनस वाई वन तो जो सारी वाई स्क्वायर होगा तो हर जगह ये नहीं होता सर। अगर ऐसे होता है कि रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर जस्ट वाई स्क्वायर हाँ नहीं बाइनोमियल है ना, जब भी आपको बाइनोमियल मिले दो अलग अलग टर्म मिले उनपे इंडिविजुअल स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट को नहीं हटाते। रूट को हटाने के लिए आपको सिर्फ ओवरऑल स्क्वायर मतलब पूरे टर्म पे जो भी एक्सप्रेशन हो पूरे टर्म पे होल स्क्वायर होना पड़ेगा, तब आप स्क्वायर और रूट कैंसिल कर सकते हैं। ये जो भी बाइनोमियल है, देखो ये मैंने ब्रैकेट में एनक्लोज किया हुआ इस पार्ट को, तो इस पूरे पार्ट को मैं एज ए मोनोमियल अभी बोल सकता हूँ। इस पूरे पार्ट को मैंने एनक्लोज बोल सकता हूँ, मैंने इसके दो मान लो दो चॉकलेट्स है और मैंने इसको एक ही बॉक्स में डाल रखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? दो चॉकलेट नहीं बोलोगे, बोलोगे एक बॉक्स, तो आपको सिंगुलर हो गया। तो इस वजह से ये अभी सिंगुलर हो गया क्योंकि मैंने इसको एनक्लोज कर दिया ब्रैकेट के अंदर। तो सिंगुलर टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वो कट सकता है, जैसे कि आप अगर रूट ओवर एक्स स्क्वायर करो सिंगुलर टर्म में रूट कट जाएगा, इसमें ये सिंगुलर हो गया उसी तरह रूट कट जाएगा। लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये अलग अलग है। आप दो चॉकलेट दे रहे हो बट विदाउट बॉक्स दे रहे हो, दो चॉकलेट अलग अलग दे रहे हो, तो मैं बोलूंगा दो चॉकलेट है, वो सिंगल करके मैं नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ पर दो अलग अलग है, उनमें स्क्वायर तो रूट के साथ कैंसिल नहीं होता, ठीक है। बाइनोमियल हो तो नहीं हो सकता। अच्छा अभी कुछ और भी चीजें यहां पर देखो, आप जब a माइनस बी होल स्क्वायर करते हो उसी चीज को अगर मैं b माइनस ए होल स्क्वायर लिखू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आप चेंज करते हो तो निगेटिव में आएगा। आप जैसे 4 माइनस 5 करते हो आपको माइनस 1 मिलता है, 5 माइनस 1 करते हो सॉरी 5 माइनस 4 करते हो आपको 1 मिलेगा, ये तो फर्क है। लेकिन अगर इनमें होल स्क्वायर लगा हो तो आप स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर इसमें भी है तो इसका स्क्वायर करोगे तो फाइनली तो आपको सेम आंसर मिलेगा ना। आप ऑर्डर बदल के लिखो, निगेटिव का ऑर्डर बदल के लिखो, लेकिन वो अगर अंडर स्क्वायर हो तो उससे ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ए माइनस बी अंडर स्क्वायर, बी माइनस ए अंडर स्क्वायर, मतलब एलिमेंट तो सेम ही है बस ऑर्डर बदला हुआ है, उसमें स्क्वायर के अंडर में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर मैं इन्हीं एक्सप्रेशन को ऐसे करके लिखूं, x 2 माइनस x1 है, तो मैं अगर लिखूं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर
या फिर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ्लेक्सिबल है, स्क्वायर है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इस सम को दिखाता हूँ। आपको कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट दिया गया है, मान लो 10.6 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 3.2। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दिस इज ए दिस इज बी। तो मुझे निकालना है डिस्टेंस ए बी, तो मैं कैसे यूज करूंगा, जैसे कि मैं जानता हूं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और आप इनमें चेंज करके उल्टा करके लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको करोगे कैसे, आप तो किसी भी ऑर्डर से ले सकते हो ना, माइनस तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो ये दो चीज, x को हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसा पॉइंट का एफसीसा, एंड y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो यहां क्या हो रहा है, दो एफसीसा को माइनस किया जा रहा है। तो आप इन दोनों पॉइंट के एफसीसा को किसी भी ऑर्डर में आप माइनस करो, आप लिखो 3-10 तो भी चलेगा, 10-3 तो भी चलेगा, क्योंकि 3-10 करोगे -7 मिलेगा, 10-3 करोगे तो +7 मिलेगा, लेकिन बाद में जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 49। प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको x1 माइनस x2 3-10 आप लिखो, y1 माइनस y2 2-6 आप लिख सकते, या फिर आप उल्टा करके लिखो, या फिर इसको उल्टा कर दिया उसमें सीधा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी माइनस करने से -7 होल स्क्वायर, यहां करोगे -4 होल स्क्वायर, सिक्सटी फाइव, तो ये आउटकम यहां तक आ गया, कितना यूनिट्स इसका डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वेरिएबल फॉर्म में भी आ सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए माइनस बी, दिस पॉइंट इज समथिंग ए माइनस बी ए प्लस बी, बीच में कॉमा है, और ये हो जाएगा जैसे 2a, 3b। मुझे इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट ओवर x वर्ग मतलब a माइनस बी, उसमें से मुझे माइनस करना है 2a ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर y1 a प्लस बी माइनस y2 3b होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी यहां से सॉल्व करने पे a माइनस बी माइनस 2a, अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिलेगा माइनस बी माइनस ए, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस, यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो b माइनस टू बी, सॉरी a माइनस टू बी। आप यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर यहां से आप माइनस कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो ये स्क्वायर उस माइनस को पॉजिटिव बना देगा और बन जाएगा बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये पार्ट में ए माइनस टू बी होल स्क्वायर। आप इसे फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हो, जैसे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस
माइनस फोर ए बी। अब यहां पर हम लोग ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फोर बी स्क्वायर फाइव बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी माइनस फोर ए बी माइनस टू ए बी, इसका आउटकम ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया?